Welcome to Sydney. We stayed in Holiday Inn Potts Point. It was a cute little room which had awesome views of Sydney Harbour Bridge and Opera House. Check-in करके हम पास में ही इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करने गए और वापस आके हम जल्दी से रेडी हुए और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच देखने गए। फाइनली हम पहुंच गए हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टी20 मैच के लिए। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़े बादल भी नज़र आ रहे हैं मुझको। आई होप कि बारिश ना आए, हमारा स्पोर्ट स्पॉइल ना हो जाए। ये स्टेडियम सिटी से थोड़ा दूर है, कैब में हमको कम से कम 50 मिनट के आसपास लगे हैं और अभी ट्रैफिक वाला ये टाइम भी था। अभी मेरे को अपनी टिकट्स कलेक्ट करनी है, ऑनलाइन प्रिंट है मेरे पास, अभी टिकट्स कलेक्ट करके फिर हम स्टेडियम में चल जाएंगे। मैं आपको थोड़ा यहाँ का ज़्यादा कैसा एटमॉस्फेयर है। देखने का एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। क्राउड सपोर्ट इतना था कि जैसे इंडिया में ही मैच हो। होटल वापस जाने के लिए हमने मेट्रो ली और हमें अप्रॉक्स 45 मिनट्स लगे होटल पहुंचने में। इट वॉज वे चीपर देन ऊबर एंड वी प्रेफर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज इट वॉज क्वाइट लेट। अगली सुबह हम आराम से उठ के रेडी हुए और निकल गए बोंडाई बीच के लिए। हाय गाइस, ये हमारा सेकेंड डे है सिडनी में। फर्स्ट डे काफ़ी सही रहा, वहाँ पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन टी20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच था वो देखा है, इंडिया जीत गई। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया था पूरे स्टेडियम में, बहुत सारे इंडियन सपोर्टर्स थे, तो काफ़ी सही रहा। और सेकेंड डे अभी हम आए हैं बोंडाई बीच। यहाँ पे हमने मेट्रो और बस का रूट लिया और हमने एक ग्रोसरी स्टोर से ओपल कार्ड खरीदा $20 पर पर्सन और उसको यूज़ करके हम बोंडाई बीच पहुंच गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लगा हमारे होटल से। बहुत ही अच्छा दिन है आज, धूप नहीं है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है, क्लाउडी मौसम है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, मतलब बहुत ही अच्छा दिन है ये बीच पे आने का। अभी यहाँ बोंडाई बीच से कूबी बीच तक वॉकिंग ट्रेल है, तो ये पूरा सी साइड के साथ साथ होके जाएगी, तो हम अभी वही वॉकिंग ट्रेल लेंगे, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे उसमें हमें, और नीचे जाके पहले बीच एंजॉय करेंगे। बोंडाई बीच इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बीच इन ऑस्ट्रेलिया। बीच बहुत साफ सुथरा था एंड वाटर वॉज क्रिस्टल क्लियर। हमने थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय किया और फिर हम निकल गए वॉकिंग ट्रैक की तरफ। और ये है बोंडाई आइसबर्ग क्लब का स्विमिंग पूल। यू कैन नॉट स्विम हियर अंटिल यू आर अ मेंबर। और ये है वॉकिंग ट्रेल जो हमें पूजी बीच तक लेके जाएगी। यहाँ बहुत सारे लोग जॉग एंड वॉक करने आते हैं और ये कुछ खूबसूरत नज़ारे हमारे लेफ्ट साइड में। ये जगह बहुत ही पीसफुल और खूबसूरत थी, तो हमने यहाँ कुछ देर बैठ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाया। 3 किलोमीटर वॉक करके हम पहुँचे ब्रोंटे बीच, जो कि बिल्कुल हाफ वे पॉइंट था कूजी बीच के लिए। हमने फोटो सेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया था, तो टाइम की कमी की वजह से हमने यहीं से एग्ज़िट ले लिया और वापस होटल आ गए। और होटल के सामने ही पिज़्ज़ा हट था, वहाँ पे लंच किया और शाम में रेडी होकर
हम रश्मि से मिले टाउन हॉल मेट्रो स्टेशन पे अप्रॉक्स 5 बजे। हमें जाना था डार्लिंग हार्बर, पर रश्मि हमें लेके गई सर्कुलर की ओपेरा हाउस दिखाने। फर्स्ट डे हमारा भी यही था। हमारा सेकंड डे है, हमारा सेकंड डे है दिस पे। ओके, आजो आजो, हम चल रहे हैं अब डार्लिंग हार्बर। भरत, तेरी वीडियो थोड़ी सी कर रही हूँ मैं जो बोलता रहता है। आज हमें मिल गई है एक टूर गाइड जो कि है, वो है रश्मि। नहीं पता कुछ। अरे यहाँ पे आई हुई है ये लड़की। हाँ यहाँ पे आई है, बस अब डार्लिंग हार्बर गई है कि नहीं गई है? यार डार्लिंग हार्बर गई है ना, तो ये हमें इधर से उधर घुमाई जा रही है और अभी तक हम डार्लिंग हार्बर नहीं पहुँच पाए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़े गूगल मैप्स के थ्रू कर रही है अभी भी। आजो 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 आजो। अरे इंडिया वाला काम करो, थोड़े भागो भागो भागो, ट्रेन पकड़नी है। डार्लिंग हार्बर पे हमें अपने फ्रेंड्स सुदीप और निकिता से मिलना था। फाइनली हम पहुंच गए डार्लिंग हार्बर और हमें पता चला कि हम डार्लिंग हार्बर फेरी से भी आ सकते थे, जिसके बारे में रश्मि को भी नहीं पता था और वो हमें 4 किलोमीटर पैदल लेकर आए। म्यूजिक फेस्टिवल के बाद हम एक बढ़िया रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। डार्लिंग हार्बर पे एवरी सैटरडे 9 बजे फायरवर्क्स होते हैं, सो वी प्लान दिस डिनर विद फ्रेंड्स टू एंजॉय दीज फायरवर्क्स। फाइनली डे 2 खत्म हुआ एंड थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स वी एंजॉयड अ लॉट। सिडनी में हमारे अभी 3 दिन बचे हैं जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।